Hey 400 subscribers, 400 subscribers, 400 subscribers. Hey, welcome. Hey 400 subscribers. So, आज मेरे 400 subscribers finally हो ही गए हैं. तो I am happy for that. और आप सभी का support देखते हैं और आपका सभी प्यार देखते हैं मेरी videos के लिए. तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज के लिए. तो आप सब मेरी फैमिली के पार्ट हैं, क्रिश्चियन फैमिली के. तो आज हम एक वीडियो बनाएंगे जिस पे हम बैक हमारी जनरल प्रॉब्लम है कि जैसे आजकल छोटे बच्चों को या बड़ी एज के लोगों को और मिडिल एज के लोगों को भी बहुत ज़्यादा बैक की प्रॉब्लम रहती है. तो उस बैक की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, तो मैंने देखा है कि जैसे आजकल की जनरेशन में और जैसे ओल्ड एज है और मिडिल एज है तो इन सब में बहुत प्रॉब्लम है बैक की रिलेटेड. तो उसको हम कैसे क्योर करें. जैसे मैंने अपने घर में देखा कि मेरी मम्मा को मेरे जैसे पापा लोअर बैक में दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा. तो हम मैंने सोचा कि उसको ठीक कैसे, अगर मेरे घर में प्रॉब्लम है तो कितने लोगों को प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होगी. तो अगर आप कैलिस्थेनिक्स करते हैं तो भी आपका लोअर बैक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. तो ये सारी एक्सरसाइज उसी के लिए होगी. तो जैसे मेरी बुआ आई हुई थी 10 डेज के लिए तो उनको मैंने ये एक्सरसाइज बताई और करवाई. तो 10 डेज में उनको भी बहुत बेटर लग रहा था ये एक्सरसाइज करके. तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें अगर आपको लोअर बैक की दिक्कत है. तो आइए मुझे मेरी बुआ से जो अपना एक्सपीरियंस खुद बताएंगी आपको. तो बताइए. मेरा 5 साल से बैक का बहुत प्रॉब्लम था और मुझे किसी चीज़ में भी मज़ा नहीं आ रहा था इस वजह से. और इन्होंने मेरे को इतना अच्छा ठीक कर दिया है, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज कराई कि मेरा ऐसा लगता है कि जान में जाना है. और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी खुश रहें और एंजॉय करें लाइफ, इनकी एक्सरसाइज जरूर करें. तो ये पहले हम बात करते हैं कि इसके मेजर कॉजेज क्या है. इसके मेजर कॉजेज है कि जो आप डेली फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं आप बेंड होते हैं ऐसे करके. तो बहुत प्रॉब्लम होती है जैसे आप कुछ हैवी लिफ्टिंग करते हैं या आप आजकल जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन जैसे ऑफिस का काम चल रहा है तो लोगों की पोस्चर बहुत ख़राब है. तो उस पोस्चर की वजह से उनको बहुत लोअर बैक की प्रॉब्लम हो रही है. और जैसे वो हैवी लिफ्टिंग करते हैं और डेली लाइफ के जो काम करते हैं उनमें भी उनको बहुत दिक्कत होती है उनकी लोअर बैक की वजह से. तो ये सारे कुछ मेन रीजंस हैं आपकी लोअर बैक की प्रॉब्लम के लिए. तो चलिए मैं फर्स्ट एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट स्ट्रेच, जिसमें आपको एक आप देख सकते हैं आपको एक फ्लैट सरफेस पे लेट जाना है. देन आपको अपनी नीज को ऐसे करके स्ट्रेच करना है एंड यू हैव टू यूज योर बोथ हैंड्स. नाउ सेकेंड लेग एंड आपको एक बात याद रखनी है कि बहुत लोग अपना हेड उठा देते हैं तो आपको वो उठाना नहीं है. एंड यू हैव टू होल्ड दिस फॉर 5 सेकेंड्स ईच. तो आपको इसके 5 repetitions परफॉर्म करने हैं, 5 इस लेग से 5 उस लेग से. तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ. अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें सेम ऐसे ही परफॉर्म करना है बट इस बार हमें अपनी दोनों लेग्स को एक साथ स्ट्रेच करना है लाइक दिस ओनली. एंड आपको याद रखना है कि आपको अपना हेड नहीं उठाना. देन ईजी. तो आपको ये 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है and this also 10 times each. So now our second exercise is lower back rotational stretch, जिसमें आपको आपको ऐसे ही flat surface पे लेटना है दोबारा and अपने hands को spread कर देना है like this and अपने knees को वापस bend करना है. then आपको इस side एक side पे आपको bend अपनी legs को करना है and आपका face opposite side में होना चाहिए. And you have to hold this for 5 seconds and a repetition of 5 times each. Like this, perfect. So now our next exercise is bridge, जिसमें आपको अपनी legs को ऐसे bend करना है like this and अपने hands का support लेके आपको अपनी hips से ऊपर उठना है. And you have to hold this for 5 seconds and you have to do this for 5 to 10 repetitions. Now our last exercise is cobra pose, in which you have to do like this. आपको अपने hands को chest के side में रख के अपने आपको ऊपर lift करना like this. It stretches and strengthens your abdominal muscles. And at last, अगर आपसे ये ना हो आपके ज़्यादा back पे pressure आ रहा हो तो आप किसी का help ले सकते हैं और आप उनको बोल सकते हैं कि आपकी back पर lower back पर ऐसे pressure डाल दें ताकि आपके ज़्यादा effect ना आए like this. हल्का हल्का प्रेशर डालना, ज़्यादा नहीं डालना.
तो इसके साथ हमारी सारी एक्सरसाइजेज खत्म होती है। एंड आपको एक बात लास्ट में याद रखनी है कि जब आप उठेंगे तो आपको स्ट्रेट नहीं उठना, आपको एक साइड का सहारा लेना है तब उठना है, तो आपके इस पे लोअर बैक पे आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सेल्फ केयर मेथड्स आर रियली हेल्पफुल फॉर योर बॉडी, और अगर आपके तब भी अभी थोड़ा पेन नहीं जा रहा तो अपनी लोअर बैक पे आइस लगाइए। तो अब आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस था। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, मुझे दिल्ली आने का बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मेरी कमर में बहुत टाइम से प्रॉब्लम था और ऐसा लगता था जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। तो जिसे भी अपनी लाइफ को रियल में एंजॉय करना है उसका फिट होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारे सर हैं ऋषि सर, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इनका चैनल जरूर फॉलो करें ताकि आप लोग भी अच्छी ज़िंदगी जी सकें। मेरी कमर जैसे ठीक होगी, मैं चाहती हूँ सबकी कमर फिट रहे। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।